तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। भाई रोमन रेंग्स रीशेड्यूल हो चुके हैं स्मैकडाउन के लिए और रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक की मैच कैंसिल हो सकती है रेसलमेनिया के लिए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ही। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहली स्टोरी है हमारी ट्राइबल शीफ रोमन रेंग्स के ऊपर। रोमन रेंग्स फिर से शेड्यूल हो चुके हैं भाई स्मैकडाउन के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा था कि रोमन रेंग को हर तरफ से हटा दिया गया है, हर एक स्मैकडाउन शो से भी हटा दिया गया, फिर से भी हटा दिया गया था, फीचरिंग सुपरस्टार से भी हटा दिया गया था। बट भी गुड न्यूज सामने आई है भाई, रोमन रेंग को फिर से फीचर किया है WWE ने स्मैकडाउन के अंदर। हेल इन असल में तो नहीं किया है बट स्मैकडाउन के अंदर भाई फिर से रोमन रेंग फीचर हो चुके हैं। मैंने जाके जब देखा WWE.com में, आप भी देख सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो स्मैकडाउन के पोस्टर पे भी रोमन रेंग्स है और फीचरिंग सुपरस्टार में नंबर वन भी रोमन रेंग्स हैं। तो ये काफी गुड अच्छी न्यूज है भाई। डेव मेल्जर ने जो कहा था कि रोमन रेंग्स का ब्रेक नहीं होने वाला स्मैकडाउन से, तो वो बात 101% सच हो गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो भाई वो है पेज के ऊपर। पेज ने एक बड़ा टीज किया है मैनेजर के ऊपर। देखो रोंडा रोजी को एक मैनेजर की जरूरत है भाई, ये सबको पता है, WWE यूनिवर्स को भी पता है और WWE को भी खुद को पता है कि भाई रोंडा रोजी को एक मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि भाई उनको बोलना आता ही नहीं है, वो माइक पे कुछ ज्यादा बोलती ही नहीं है, WWE यूनिवर्स उतना पसंद नहीं करती जो वो जिस तरीके से वो बोलते हैं। तो WWE यूनिवर्स फैंस भी चाहते हैं कि भाई उनको एक मैनेजर मिलना चाहिए। वहीं पे WWE ने स्मैकडाउन के कुछ घंटे पहले एक पोस्ट डाला था, पोस्ट में लिखा था कि क्या लगता है कौन चैलेंज करेगा रोंडा रोजी को। तो उसके ऊपर भाई रिप्लाई आया है पेज का। पेज ने रिप्लाई किया है मे बी मैनेजर, भाई मतलब कि मैनेजर मे बी करके उन्होंने लिखा है, मतलब कि इन्होंने पूरा टीज कर दिया है कि मैनेजर की जरूरत होगी रोंडा रोजी को। तो सही कहा है, क्या पता भाई पेज ही मैनेजर बन के आ सकती है। वैसे हमने दो साल तीन साल पहले देखा था कि पेज स्मैकडाउन की मैनेजर बन के आई थी, शायद से रोंडा रोजी की भी मैनेजर बन के आ सकती है। आएंगी तो भाई बहुत ही बढ़िया, मजा आने वाला, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमको देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन के अंदर। लेट टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टोरी। तो भाई वो है मनी इन द बैंक मेन इवेंट के बारे में। इन द बैंक का सब कुछ हमको निकल के सामने आ चुका है, क्लियर डिटेल हमको निकल के आ चुके हैं। भाई देखो स्टीव कैरियर ने 101% पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई जो भी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतेगा वो ना ही मेन इवेंट करेगा, ना ही भाई डे वन में करेगा, ना ही डे टू में करेगा रेसलमेनिया में। मेन इवेंट तो भाई छोड़ो, उनको स्मॉल मैचेज ही मिलेंगे, मेन इवेंट ना ही दिन में मिलेंगे या फिर दूसरे दिन में इवेंट नहीं करेंगे। जो रॉयल रंबल जीतेगा वही मेन इवेंट करने वाला है। तो यहाँ पे स्टीव कैरियर हमको पूरा क्लियर कर चुके हैं। WWE सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मेन इवेंट होगा बट आगे चल के भाई ये कैंसिल होकर नहीं होगा मेन इवेंट, कुछ इस तरीके से स्टीव कैरियर कहते हुए दिखते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बात करते हैं। तो भाई वो है ब्लड लाइन के मेंबर दी उसोस का जो टाइटल रेन है, टैग टीम टाइटल रेन है भाई, वो 300 दिन हो चुका है। मतलब कि अभी एक 60 दिन के बाद भाई साल हो जाएगा पूरा, मतलब कि 360 डेज के बाद पूरा साल हो जाएगा। अभी भी WWE कह रही है कि अभी भी वो पूरा ईयर कर सकते हैं क्योंकि स्टिल चैंपियन, टैग टीम चैंपियंस हैं हमारे दी उसोस। तो काफ़ी अच्छी बात है, रोमन रेंग्स तो भाई एक साल से भी ऊपर जा चुके हैं बट दी उसोस अभी अभी बने हैं। तो 300 दिन उनके हो चुके हैं और WWE ने उनको पोस्ट करके एक्नॉलेज और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा। तो यही एक स्टोरी बतानी जरूरी थी। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, जजमेंट डे में नया मेंबर। अब देखो मैंने बहुत दिनों से आपको कहा था कि जजमेंट डे में नया मेंबर आएगा, वो है तमासो चैंपा। बट तमासो चैंपा नहीं होने वाले भाई साहब, हाँ सच में तमासो चैंपा की जगह फिन बैलर होने वाले हैं। ब्रेड शेफर्ड का यहाँ पे कहना है कि बैक स्टेज में क्रिएटिव आइडियाज बन रहे हैं WWE की तरफ से, जहाँ पे वो फिन बैलर को जिताना बनाना चाहती है न्यू मेंबर एज जजमेंट डे। भाई फिन बैलर अटैक कर देंगे एज स्टाइल पे और ब्रेकअप हो जाएगा और फिर जो है फिन बैलर हमको द जजमेंट डे में जाते हुए दिखाई देंगे। भाई ये अगर होगा तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। फिन बैलर और एज स्टाइल को मैंने कहा था कि भाई इनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, ये होप है कि भाई हो सकता है और होगा तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा हमको रॉ के अंदर। अब हम लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भाई वो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक की मैच। रेसलमेनिया के लिए ये प्लान था बट ये मैच कैंसिल हो सकती है। भाई जिम कॉर्नेट का कहना है कि ये मैच अगर कैंसिल क्यों होगी उसका रीज़न उन्होंने दिया है, अगर WWE ही चाहती है कि रॉक इस मैच में जीते तो रॉक साफ साफ मना कर देंगे इस मैच को खेलने के लिए, परफॉर्म ही नहीं करना चाहते रॉक इस मैच को जस्ट बिकॉज अगर वो जीतेंगे उस मैच के अंदर। वो चाहते हैं कि भाई
रोमन रिंग्स इस मैच को जीते, जिस तरीके से रोमन रिंग्स चल रहा है उसी तरीके से वो चले, तो वो नहीं चाहते कि वो खुद जीते। तो भाई जिम कॉर्नेट कह रहे हैं कि अगर WWE का ऐसा प्लान कुछ है तो कैंसिल कर दो, रोमन रिंग्स को जिता दो इस मैच में, तभी ये मैच हो पाएगी, ड्रीम मैच ये हो पाएगी, वरना जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा। तो यही था एक लास्ट स्टोरी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।